अस्सलाम वालेकुम। हमने यहाँ तक 2005 तक यानी 2005 तक जो एमसी पेपर्स थे वो हमने पढ़ लिए थे। आज हमारे पास है इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर का 2006 यानी कि 2006 का जो पेपर वन है। ठीक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले वाला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा हुआ तो सबसे पहले उसको देखें, फिर उसके बाद आप इसको देखें तो ज़्यादा आपका बेहतर फ़ायदा होगा। क्योंकि ये जो प्रीवियस पेपर्स हैं ये मैंने वन से स्टार्ट किए थे 2000 से। ठीक है, तो यानी कि 23 पेज मैंने कर लिए और आज मैं 24 से स्टार्ट करूंगा और 48 तक इनको मैं इंशाल्लाह खत्म करूंगा। ठीक है, तो आपने इससे पहले वाला एक लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले उसको देख ले, फिर उसके बाद इसको देखना है तो आपका बेनिफिट होगा। ठीक है, तो फिर आपको बता दूं कि ये आपको किसी तरह का भी एग्जाम हो यानी कि सीएसएस का हो या आपके पास पीएससी का हो, एनटीएस का हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें इस्लामिक स्टडी के एमसीक्यूज आते हो उसमें आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है द लॉन्गेस्ट सूरह ऑफ द कुरान। यस, तो ये आपको पता है सूरह बकरा है सबसे बड़ी सूरह। नेक्स्ट आपके पास टू है, इसमें कहता है सूरह अल नर, अल नूर। ठीक है, नूर लिखा हुआ, अल नर इसमें लिखा है, अल नूर। सूरह अल नूर स्पीक्स ऑफ वीमेन इश्यूज। ठीक है, सूरह नूर में वीमेन इश्यूज के बारे में ये डिस्कशन है। तो नेक्स्ट आपके पास थर्ड वाला होली कुरान जनरली प्रिंटेड इन, तो हम देखेंगे इसके ऑप्शंस। इसके ऑप्शंस हम देखेंगे इसमें कूफी स्क्रिप्ट। ठीक है, कॉफी स्क्रिप्ट में ये जनरली प्रिंटेड होता है। नेक्स्ट आपके पास है फोर, इमाम बुखारी हेल्ड फ्रॉम तुर्किस्तान। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर फाइव, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हाइल इमिग्रेटिंग टू मदीना टुक रिफ्यूज इन केव। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है गारे सोर, सोर इसने THOR लिखा हुआ है तो केव्स सोर। ठीक है, यानी कि गारे सोर इसको कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास सिक्स, इसमें प्रॉब्लम मुसल्लम सलम विजिटेड गारे हीरा फॉर तो मेडिटेशन, या आपके पास इसको तहानुत भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है सेवन, दी नजाशी किंग ऑफ अबशा विद होम दी मुस्लिम्स फॉर दी फर्स्ट टाइम टुक रिफ्यूज वाज अ क्रिश्चियन। ठीक है, क्रिश्चियन था। नेक्स्ट आपके पास एट है, दी ड्यूरेशन ऑफ सोशल बाइकॉट ऑफ मुस्लिम्स इन शिबी अबी तालिब वाज फॉर 3 ईयर्स तकरीबन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है नाइन, सुलह उदबिया जो है उसको लिखा है, सुलह उदबिया वाज रिटन बाय, तो ये हजरत अली ने रिटन किया था। ठीक है, सुलह उदबिया जो था वो हजरत अली ने लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें कहता है आउस एन हजरज, आउस इन खजरज लाइव्ड इन, तो ये आपके पास यमन मक्का नज या हिजाज या नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस इनमें से किसी में भी नहीं लाइव है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 11, आउज ए खजरज वर, तो इनका कंफर्म नहीं था तो बोल्ड नहीं है तो इसको आपने देखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 12, द जैविश ट्राइब बनो कुनेका वर्क एस गोल्ड स्मिथ्स। नेक्स्ट आपके पास 13 है, इसमें कहता है हजाज बिन यूसुफ वाज हुमायूं अवासिद ऑटोमन मुगल या नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट 14 है, सैफुल्लाह वाज द टाइटल ऑफ, तो ये अक्सर पेपर में भी आ जाता है, ये पीएससी के खालिद बिन वलीद का है, सिंपल है। नेक्स्ट आपके पास है 15, हजरत शोएब बिलोंग टू, हजरत शोएब बिलोंग टू रोम। ठीक है, हजरत शोएब बिलोंग टू रोम। नेक्स्ट 16 है, अबू सुफियान लास्ट इज
आई इन द बैटल ऑफ यरमुक। नेक्स्ट अब बस है 17, इसमें कहता है बाइजेंटाइन, बाइजेंटाइन लिखा हुआ है, बाइजेंटाइन वाज, बाइजेंटाइन होता है बाइजेंटाइन, वाज ईस्टर्न रोम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18, 18 को हम देखेंगे इसमें क्या कह रहे हैं। में कहता है सासानिड्स रूल्स, सासानिड्स रूल्स पर्शियन एम्पायर। ठीक है, नेक्स्ट आ गया 19, इमाम मालिक वाज अ फेमस जूरिस्ट। 20 है, लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड खलीफाए राशिदा, खलीफाए राशिदा जिसको कहते हैं, तो ये राइट गाइडेड कैलिफ्स। ठीक है, लिटरल मीनिंग है इसका खलीफाए राशिदीन का। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे हम, तो 2006 का ये इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर का 2006 का पेपर है, पेपर नंबर 2 है, तो इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें कहते हैं इब्रियन पेनिसोला इज अ पार्ट ऑफ इब्रियन, आइबेरियन पेनिनसुला इज अ पार्ट ऑफ यूरोप। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 2, ग्रेनेडा इज अ सिटी ऑफ, तो ये वन ऑफ दिस, इनमें से किसी का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 3, द उमैद रूल इन स्पेन केम टू एन एंड इन, तो इनमें से कोई नहीं है, वन ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 4 है, इसमें कहता है द कमांडर इन द फर्स्ट ओवर फर्स्ट एवर मुस्लिम जिहाद इन कॉन्स्टेंटिनोपल वाज यजीद बिन मुआविया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कहता है अल दाहिल वाज अ प्रिंस ऑफ बनो उमैया। नेक्स्ट 6 है, ये आपके पास इब्ने तुफैल वाज। ठीक है, इसको आपने देखना है, ये कंफर्म नहीं है, टिक नहीं है, बोल्ड भी नहीं है। नेक्स्ट 7 है, द ऑथर ऑफ अहिया उल उलूम उल दीन इज, द ऑथर ऑफ अहिया उल उलूम उल दीन, अहिया उल उलूम उल दीन, तो ये इमाम अल गजाली है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8, में कहता है हुनैन इब्ने इसहाक लाइव ड्यूरिंग द रेन ऑफ मेमून। ठीक है, नेक्स्ट 9 है, कुबा सहरा इज बिल्ट एट, कुबा उस सहारा इज बिल्ट एट जेरूशलम। नेक्स्ट 10 है, जरियाब वाज सिंगर। नेक्स्ट 11 है, हु वाज द फाउंडर ऑफ फातिमिद डायनेस्टी, तो इसको हम देखेंगे। बहुत सारे इसमें भी रिपीटेड एमसीक्यूज हैं, आप देख सकते हैं। इसमें हु वाज द फाउंडर ऑफ फातिमिद डेनिस्टी, तो नन ऑफ दी, इनमें से कोई भी नहीं है, मेमून भी नहीं है, मुआविया ही नहीं है, इमाम हुसैन भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 12, बगदाद वाज द कैपिटल ऑफ बनो अब्बास, बनो अब्बास का कैपिटल था बगदाद। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करेंगे, इसमें देखेंगे क्या कह रहे हैं। इसमें कहते हैं सियासिता आर द बुक्स ऑफ, इसकी बुक्स हैं ये सियासिता जिनको हम कहते हैं। नेक्स्ट 14 है, शरायतुल दूर शजरतुल दूर वाज दी क्वीन ऑफ, शजरतुल दूर वाज दी क्वीन ऑफ इजिप्ट। नेक्स्ट आपके पास है 15, इसमें कहता है रियाद इज दी कैपिटल सिटी ऑफ सऊदी अरबिया, रियाद जो है वो सऊदी अरबिया का कैपिटल सिटी है। नेक्स्ट हमारे पास 16 है, इसको हम देखेंगे 16, इसमें कहता है इब्ने रुश्द वास फिलासफर। ठीक है,
स्पेन इज कॉल्ड बाय द अरब्स एज एल अंडलस. नेक्स्ट 18, बर्बर्स वर ओरिजिनली अफ्रीकन्स. नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 19, इसको हम देखेंगे कि 19 में क्या कह रहे हैं. इसमें कितना हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम फिलोसफी इज रिटन बाय इनमें से किसी ने भी नहीं लिखी. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 20, आर डोजी इज द ऑथर ऑफ स्पेनिश इस्लाम. ठीक है, ये ऊपर भी था के पास, ये रिपीटेड है कुछ एमसीक्यूज. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, ये पेपर नंबर है इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर 2007 में पेपर नंबर 1 आया था ये. ठीक है, तो इसको हम देखेंगे कि इसमें क्या है. फर्स्ट कंपाइलेशन ऑफ कुरान वाज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला. नेक्स्ट अब इन 14 हिजरी 635 AD- लेड द फाउंडेशन ऑफ बसरा, तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला. नेक्स्ट हजरत उस्मान assassinated in the month of Zilhaj. ठीक है, next 4 है, Hazrat Ali shifted the capital from Medina to none of these, Basra या Fustah या Damascus, कहीं पे भी नहीं, इनमें से कोई भी correct answer नहीं है, तो none of these आएगा. ठीक है, next हमारे पास question number 5 है. फाइव में कहता है हजरत खालिद बिन वलीद बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ उमैया. नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6, डैश इज नाउन फर्स्ट ईयर ऑफ यूनिफिकेशन इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, तो ये आपके पास ये कंफर्म नहीं है. ठीक है ना, 41 नहीं है, आई थिंक कंफर्म नहीं है, इसको आपने देख लेना है. ठीक है, 6 को आप देख लें. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें के डैश वाज द कॉन्क्वेरर ऑफ स्पेन, तो तारिक बिन जियाद. नेक्स्ट 8 है, द लास्ट कैलिफ ऑफ उमैद वाज मारमर 2. नेक्स्ट आपके पास है 9, उमैद कैलिफेट lasted for dash years 90 years. next up was 10, Baghdad was founded by Mansur. ठीक है, next हमारे पास question number 11 है, उसको हम देखेंगे 11 में क्या कह रहे हैं. 11, किताबुल खैर was written by, तो इसका confirm नहीं था, तो ये मैंने टिक नहीं किया ना, बोल गया. तो क्वेश्चन नंबर 12 को आप देखें. ठीक है, 12 में कहता है जिजिया इज अ पोल टैक्स, पोल टैक्स. नेक्स्ट आपके पास है 13, अब्बासिद कैलिफेट केम इनटू बीइंग इन 132 हिजरी. नेक्स्ट आपके पास है 14 में कहता है इसाक मुस्ली वाज अ फेमस कंफर्म नहीं है, तो ये मैंने टिक नहीं किया, इसको आपने देख लेना है. ठीक है, सब मुस्लिम वाज क्या था. नेक्स्ट 15, इसमें कहता है द फर्स्ट वजीर टू अब्बासिद वाज अब सलमा खलील. नेक्स्ट आपके पास है 16, द फर्स्ट कैपिटल ऑफ अब्बासिद कैलिफेट वाज समरा. नेक्स्ट 17 है, अबू बकर इब्ने जकरिया अल राजी was a great physician. Next 18 है, सियासितनामा. ठीक है, सियासितनामा was written by निजामुल मुल्क तुसी. ठीक है, सियासितनामा was written by निजामुल मुल्क. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 को हम देखेंगे इसमें क्या कह रहे हैं. तो 19 में सुल्तान
सुल्तान सलीम वन बिकेम फर्स्ट उस्मानी खलीफ इन, तो ये कंफर्म नहीं है, आपने देख लेना है कि कौन सा है, या इनमें से कोई नहीं है, फिर नॉन ऑफ दीज आएगा, कंफर्म नहीं है ये, ठीक है। नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन 20 है, इंस्टीट्यूशन ऑफ खिलाफत अब्लिश्ड बाय मुस्तफा कमाल पाशा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 होगा 2007, ठीक है, 2007 का पेपर है, पेपर नंबर 2, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, इसमें कहता है इजिप्ट वाज इन्वेडेड अंडर द लीडरशिप ऑफ अमर बिन आस। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन 2, मुस्लिम रूल इन स्पेन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय उमाइज। थर्ड वन है द सेंट्रल हेडक्वार्टर ऑफ उमाइज वाज, नन ऑफ दीज, इनमें से कुफा, कायरो या बगदाद कोई भी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 को हम देखेंगे कि इसमें क्या कह रहे हैं। 4 में कहता है यूसुफ बिन काशफिन वाज फ्रॉम द डायनेस्टी ऑफ नन ऑफ दीज, इनमें से किसी से नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका सा 5 है, हु सेड आई नेवर फाइट विद द फॉय इन डिस्ट्रेस, वो सलाहुद्दीन इब्ने अय्यूब, ठीक है, सलाहुद्दीन इब्ने अय्यूब। नेक्स्ट आपका 6, सासानिड्स वर फॉर वर्कशिपर्स थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका सा क्वेश्चन नंबर 7, 7 को हम देखेंगे कि इसमें क्या कह रहे हैं। 7 में कहता है अल बरूनी वाज बॉर्न इन नन ऑफ दिस, ना मक्का हेवा ना बगदाद, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 8, राजी वाज अ ग्रेट फिजिशियन। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, नाइन में कहता है, इसमें कहता है यरमुक इज सिचुएटेड इन साइरिया। नेक्स्ट 10 है किमिया सादात इज रिटन बाय इमाम अल गजाली। नेक्स्ट 11 है उमर खयाम रोट हिज अलजबरा इन अरबिक। नेक्स्ट 12 है उमर बिन अब्दुल अजीज बिलोंग टू उमैया फैमिली। नेक्स्ट हमारे पास 13 है, 13 को हम देखेंगे 13 में क्या कह रहे हैं। 13 में कहता है फरिस्तल उलूम वाज रिटन बाय इब्ने अन्नदीन, ठीक है। नेक्स्ट 14 है अल फराबी वाज तुर्किश, फराबी जो था वो तुर्किश था। नेक्स्ट 15 है, 15 में कहता है द डेथ ऑफ कैलिफ डैश ब्रॉट द अब्बासिद डायनेस्टी टू एन एंड, तो वो आपके पास मुस्तसिम। नेक्स्ट आपके पास है 16, इस्लाम एंड द मॉडर्न वर्ल्ड इज रिटन बाय नन ऑफ दीज, इनमें से किसी ने भी नहीं लिखी थी, ठीक है। नेक्स्ट 17 है, इसमें कहता है मेसोपोटामिया इज अ डैश वर्ड, मेसोपोटामिया इज अ डैश वर्ड, ग्रीक वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 18, द अरबियन नाइट्स इज द बुक ऑफ टेल्स, अरेबियन नाइट्स बुक जो है वो टेल्स की है। नेक्स्ट हमारे पास 19 है, इसमें कहता है टोलेडो इज अ सिटी ऑफ स्पेन। नेक्स्ट आपका 20, बोस्निया वाज पार्ट ऑफ तुर्किश एम्पायर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 होगा, पेपर नंबर
2009 का, ठीक है। इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर 2009 में ये पेपर आया था, पेपर नंबर वन है। इसमें कहते होली कुरान वाज फर्स्ट कंपाइल्ड ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला। नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन टू, हजरत उमर वाज कैलिफ फॉर 10 इयर्स तकरीबन। नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन थर्ड, द ऑर्थोडॉक्स कैलिफेट लास्टेड फॉर 29 इयर्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर है, फोर को हम देखेंगे। इसमें कहते हैं हजरत अली वाज मार्टर्ड इन द ईयर 661 AD। नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन फाइव, द उमर डायनेस्टी वाज पुट टू एन एंड इन द ईयर 750 AD। नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन सिक्स, द अब्बासिद डायनेस्टी रूल्ड फॉर जस्ट ओवर 5 सेंचुरीज। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेवन है, इसको हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या कह रहे हैं। इसमें कहता है द इस्लामिक कैलेंडर हिजरी स्टार्टेड इन द ईयर 622 AD। नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन एट, द फेमस अल मोता वाज रिटन बाय इमाम मालिक। मोता जो है वो इमाम मालिक ने लिखी थी। नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन, नाइन में कहता है द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेटेड टू मदीना इन 622 AD। नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन टेन, द लास्ट अमाइद रूलर एट दमास्कस वाज मारवा टू। नेक्स्ट इलेवन है, द फाउंडर ऑफ उमाइद डायनेस्टी वाज मुआविया वन, ठीक है। नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है, उसको हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में क्या कह रहे हैं। इसमें कहता है बाइबर्स द मामलुक की सुल्तान ऑफ इजिप्ट टुक डैश टू इंस्टॉल हिम एज अब्बासिद कैलिफ इन कायरो ऑन द ईयर 1261 AD। तो ये कन्फर्म नहीं था, तो टिक नहीं किया, इसको आपने चेक करना है। नेक्स्ट 13 है, द फाउंडर ऑफ उमैद डायनेस्टी इन स्पेन वाज अब्दुल रहमान, ठीक है। वन नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन 14, द ऑटोमन सुल्तान सलीम टुक डैश फ्रॉम कायरो टू इस्तांबुल टू इंस्टॉल हिम एज कैलिफ। तो ये आपके पास कंफर्म नहीं था, तो इसको मैं टिक नहीं किया, इसको आप चेक कर लेना इसका राइट आंसर क्या है, इनमें से है या नन ऑफ दीज है। नेक्स्ट हमारे पास 15 है, इसमें कहता अंडर विच कैलिफ सिंध वाज इन्वेडेड बाय मोहम्मद बिन कासिम इन 711 AD। तो ये अल वालिद वलीद वन, ठीक है। नेक्स्ट 16 है, व्हेन डिड द ऑटोमन्स क्रॉस इनटू यूरोप। तो 1357 में क्रॉस किया। नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन है 17, व्हेन वाज हंगरी ब्रॉट अंडर ओटोमन रूल 1521 AD। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 को हम देखेंगे इसमें क्या कह रहे हैं। इसमें कहता है कमाल अतातुर्क एंटर्ड द ओटोमन कैलिफेट एंड डिपोज्ड अब्दुल माजिद टू इन 1922। नेक्स्ट 20 ये 19 है, विच ओटोमन रूलर। तो ये कंफर्म नहीं है, तो इसको मैं टिक नहीं किया, इसको आपको चेक कर लेना है, ठीक है 19 को। नेक्स्ट ऑफ द 20, द ऑटोमन एम्पायर लास्टेड फॉर ओवर 6 सेंचुरीज। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 होगा दोबारा स्टार्ट। तो ये देखिए 2009, ठीक है, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर 2009 का पेपर नंबर 2 है, इसको हम देखेंगे, ठीक है। तो इसमें कहता है स्पेन वाज इन्वेडेड इन 711 AD बाय तारिक बिन ज़ियाद। नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन टू, द एल कायरावान इन नॉर्थ अफ्रीका वाज फाउंडेड इन 670 AD बाय उकबा, ठीक है।
नेक्स्ट आपके साथ थर्ड वन, इसमें कहता है द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हिजाज इन द ईस्ट मैच द वेस्टर्न कॉन्क्वेस्ट बाय, ये कंफर्म नहीं है तो ये ठीक पे नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर फोर है, इसमें कहता है अब्दुल अजीज मैरिड एजिलोना एगिलोना एजिलोना द विडो ऑफ किंग रोड्रिक एंड नेम्ड हर डैश, तो इनमें से कोई है या नहीं, अगर नहीं है तो नन ऑफ दीज आपने करना है, अगर है तो उसको टिक करना है, ये कंफर्म नहीं था इसलिए ये टिक नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास फाइव है, द उमाइद डायनेस्टी वाज पुट टू एंड एंड इन द ईयर 750 AD। नेक्स्ट आपके पास है द अब्बासिड डायनेस्टी रूल्ड फॉर जस्ट ओवर 5 सेंचुरीज, बहुत सारे एमसीक्यूज इनमें भी रिपीटेड हैं, आपने देखे हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर सेवन, इसमें तो बगदाद वाज पुट ऑन फायर इन 1258 AD बाय द मंगोल्स। नेक्स्ट आपके पास है एट, मूसा बिन मसीर वाज द गवर्नर ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, मूसा बिन मसीर वाज द गवर्नर ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, ठीक है, मूसा बिन मसीर। नेक्स्ट आपके पास है नाइन, दी फ्यूजिटिव उमाइद प्रिंस रीच स्पेन इन द ईयर डैश 755 AD। नेक्स्ट आपके पास है टेन, इसको हम देखेंगे, इसमें कहते हैं लास्ट उमाइद रूलर इन 750 AD वास, ये मार्वन टू था, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, द नेम ऑफ द फ्रेंच किंग हु अटैक स्पेन इन 777 AD वास, तो ये आपके पास चार्ली मैग्नी था, ठीक है, चार्ली मैग्नी। नेक्स्ट आपके पास 12, इब्ने खल्दून इज जनरली नोन एज अ हिस्टोरियन, कहा जाता है इसको इब्ने खल्दून को, नेक्स्ट आपके पास 13, इसमें कहते हैं रियल फाउंडर ऑफ माय डेंसिटी इन स्पेन वाज अब्दुल रहमान फन। नेक्स्ट आपके पास 14, द अरब्स इन्वेडेड स्पेन इन द ईयर 711 AD, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 को हम देखेंगे इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कहता है विच कैलिफ रिकॉल्ड मूसा बिन नसीर टू डमास्कस, तो ये एल वैलिड वन, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 16, हु पनिश्ड मूसा बिन नसीर फॉर इन्वेडिंग स्पेन, तो वो सुलेमान। नेक्स्ट आपके पास 17 को हम देखेंगे इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कहता है आफ्टर रूलिंग ओवर स्पेन फॉर 1 year हु रिफ्यूज्ड टू गिव टर्न टू द यमनीज, तो ये कंफर्म नहीं है तो इसलिए इसको मैंने टिक नहीं किया, इसको आपने चेक करके टिक करना है। नेक्स्ट आपके पास 18, द न्यू कैपिटल एस्टेब्लिश्ड बाय अब्बासिद इन 1335 AD इज कॉल्ड, तो अल मंसूरा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन 19, अब्दुल रहमान टू ऑफ स्पेन went out to receive a minister call, Zaria, not sure, ठीक है, ये अभी not sure लिखा हुआ है, इसको आपने चेक कर लेना है इनमें से है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आपको पूछा 20, इसमें कहता है कोडोवा एंड बगदाद, तो ये भी कंफर्म नहीं है तो ठीक नहीं है, इसको अपने चेक कर लेना। नेक्स्ट इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर 2010 पार्ट वन, पहला पेपर है 2010 का, तो इसको हम देखेंगे। पहला है इसमें कहता है अरबिया इज द लार्जेस्ट ट्रैक ऑफ कंट्री इन द डैश ऑफ एशिया,
तो साउथ वेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू है। क्वेश्चन नंबर टू को हम देखेंगे। इसमें कहते हैं डैश इज कॉल्ड एन अरब ट्रेडिशंस ईयर ऑफ द एलिफेंट, तो आंसर 70 ईसी। नेक्स्ट आपके पास है थर्ड वन, आंसर मींस हेल्पर, ठीक है। नेक्स्ट फोर है, द नाइन्थ ईयर ऑफ द हिजरी इज नाउन इन मुस्लिम हिस्ट्री एज द ईयर ऑफ डेपुटेशंस। नेक्स्ट आपके पास है फाइव जो है हमारे पास, ये कंफर्म नहीं है तो इसलिए इसको मैंने टिक नहीं किया, इसको आपने देख के तो इसको आपने टिक कर लेना है, इसलिए सर्कल है इसके ऊपर। नेक्स्ट आपके पास है सिक्स नंबर, इसमें कहता है हजरत उस्मान वाज असैसिनेटेड इन द मंथ ऑफ ज़ुल्हिज्जा। नेक्स्ट आपके पास है सेवन, इसमें कहता है हजरत खालिद बिन वलीद बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ मखज़ूम। नेक्स्ट आपके पास है एट, द सिटी ऑफ फर्स्ट स्टेट वाज फाउंडेड बाय अमर बिन अल आस, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है नाइन, इसमें कहता है खराज इज लैंड ऑफ टैक्स, ठीक है, खराज इज लैंड टैक्स। नेक्स्ट आपके पास है टेन, वाज द फर्स्ट कैलिफ हु एडुकेटेड द कैलिफेट, हजरत हसन। नेक्स्ट आपके पास है 11, इसमें कहता है द टॉम्ब ऑफ हजरत अबू अय्यूब अंसारी इज सिचुएटेड इन इस्तांबुल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर XII, इसमें फर्स्ट कैपिटल ऑफ अफासिद कैलिफेट वाज, इसको आपने चेक कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है XIII, इसमें क्या कहता है इसको हम देखेंगे। इसमें कहता है इब्ने खल्दून वाज अ फेमस हिस्टोरियन ऑफ सेंचुरी 14, सेंचुरी का हिस्टोरियन था। नेक्स्ट XIV, दीवान अल हिसबा वाज रिटन बाय हारून, ठीक है, तो नॉट श्योर लिखा हुआ है, चेक कर लेना आपने इसको, वैसे यही है लेकिन आपने इसको चेक कर लेना है लाजमी तौर पे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर XV है, इसमें कहता है इदरीसी वाज अ फेमस ज्योग्राफर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है XVI, सियासतनामा वाज रिटन बाय नन्नाद्दीन, इनमें से किसी ने भी नहीं, ये निजामुल मुल्क ने लिखी है, ठीक है, याद रखना है आपने। नेक्स्ट आपके पास है XVII, तालुनिद डेनेस्टी वाज फाउंडेड बाय एमन इब्ने तालून इन नन ऑफ दीज, ठीक है, और साइरिया या इराक में से कोई भी नहीं है बल्कि इजिप्ट है, ठीक है, नन ऑफ दीज होगा तो वो अपने टिक करना है, अगर इजिप्ट है तो इजिप्ट अपने टिक कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर XVIII, ठीक है, इसको हम देखेंगे 18 नंबर को। इसमें कहता है दी कैप्चर ऑफ बगदाद बाय अलाकू खान टू प्लेस इन द ईयर 1258। नेक्स्ट 19 है, इसमें कहता है कॉन्स्टेंटिनोपल फेल इनटू द हैंड्स ऑफ द मुस्लिम्स इन 1453। नेक्स्ट आपको कैसे 20, विद द ओटोमन एम्पायर रीच इट्स जेनिथ ऑफ ग्लोरी एंड प्रेस्टीज सलीम वन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर 2010 का पेपर नंबर 2 है। व्हेन मुस्लिम्स
इन विच द स्पेन वाज द रूलर ऑफ द कंट्री, तो ये आपके पास है रोड्रिक, ठीक है, आपके पास है रोड्रिक। नेक्स्ट आपके पास है टू, वाज द गोथिक कैपिटल, तो ली दो। नेक्स्ट आपके पास है थर्ड, ड्यूरिंग मुस्लिम रूल वाज द कैपिटल ऑफ स्पेन कॉर्डोवा, ठीक है कॉर्डोवा। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर फोर, उसको हम देखेंगे आईबी। इसमें कहता है वाज द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ स्पेन अब्दुल अजीज, अब्दुल रहमान अल दाहिल डाइड इन 173 एज आफ्टर द रेन ऑफ इयर्स नन ऑफ दिस, ठीक है ऑलमोस्ट 32 इयर्स, ये इसका आंसर है करेक्ट। नन ऑफ दिस है तो जाहिर है नन ऑफ दिस ही आएगा, अगर आ जाए ऑलमोस्ट 32 इयर्स तो उसको हम टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर वी आई, कहता है हिशाम बिन अब्दुल रहमान इंट्रोड्यूस डॉक्ट्रिन इन स्पेन, नन ऑफ दिस, ये मालिकी है, ठीक है तो अनफी शाफी या हमली नहीं है, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस आएगा तो ये मालिकी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास वी डबल आई, द ब्यूटिफुल प्लेसेस ऑफ बिल्ट बाय अल नसीर, तो वो अल जोहरा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर वी ट्रिपल आई, ठीक है एट नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं अल मेहदी वाज द फर्स्ट कैलिफ ऑफ द फातिमिड्स उबैदुल्ला, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर आईएक्स, बैटल ऑफ जलाका वाज फॉट बिटवीन अल्फांसो वी आई एंड यूसुफ बिन ताशफीन के दरमियान, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर एक्स आ जाएगा, इसमें कहता है मोर्स इन स्पेन वाज रिटन बाय लैन पोल, ठीक है। नेक्स्ट एक्स आइए, अब्दुल रहमान अल नसीर अज्यूम द टाइटल ऑफ अमीर उल मोमिनीन 317 जी। नेक्स्ट आपके पास एक्स डबल आई, दी ग्रेटेस्ट मुस्लिम आर्ट इन विच दे हैव अचीव्ड इन कंपेरेबल सक्सेस इन कैलीग्राफी, ठीक है इंटरेस्टिंग वन। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर एक्स ट्रिपल आई, अल कामिल फिट तारीख वाज रिटन बाय अल कामिल फिट तारीख अल कामिल फिट तारीख वाज रिटन बाय इब्न अल अथर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर है एक्स आई वी, इसमें कहता है जिब्राल्टर, जिब्राल्टर इज नेम्ड आफ्टर नन ऑफ दिस, ठीक है तारीख है इसका करेक्ट आंसर, तो नन ऑफ दिस आएगा क्योंकि ये तो ऊपर वाले तीनों नहीं है, तो नन ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो अगर तारीख आ जाता है तो फिर उसको आपने टिक करना है। नेक्स्ट आपके पास है एक्स वी, गार्नेडा फेल इन, गार्नेडा फेल इन 1492 ईसी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर एक्स वी आई, इसमें कहता है इब्ने रुश्द वाज अ डिस्टिंग्विश्ड फिलोसोफर। नेक्स्ट आपके पास है एक्स वी डबल आई, आर डोजी इज द ऑथर ऑफ द स्पेनिश इस्लाम, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है एक्स वी ट्रिपल आई, मुहालदीन मुवालदीन मुवालदीन वर मुवालदीन वर स्पेनिश न्यू मुस्लिम, ठीक है मुवालदीन वर स्पेनिश न्यू मुस्लिम। नेक्स्ट हमारे पास है एक्स आई एक्स, इसको हम देखेंगे
ठीक है, इसको हम देखेंगे 19 को। इसमें कहता है एब्राइन पेनिसुला इज द पार्ट ऑफ यूरोप। नेक्स्ट 20 है, दी प्रीचिंग ऑफ इस्लाम इज रिटन बाय आर्नोल्ड टीडब्ल्यू। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 2011 का पेपर है, इसमें कहते हैं इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर 2011 पार्ट पेपर वन। ठीक है, इसको हम देखेंगे। इसमें कहते हैं दी प्री इस्लामिक एरा इज नाउन एज एज ऑफ इग्नोरेंस। नेक्स्ट आपके पास है 2, मारिब डैम वाज लोकेटेड इन यम। नेक्स्ट थर्ड वन है रूलर ऑफ प्री इस्लामिक ईरान वर कॉल्ड, तो आपके पास शहनशाह। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 4, फोर में क्या कहता है इसको हम देखेंगे। इसमें कहता है काबा इज सिचुएटेड इन द वैली ऑफ मक्का। 5 है हजरे अस्वद मींस ब्लैक स्टोन। 6 है द वर्ड मोहम्मद मींस द प्रेज्ड वन, अक्सर रिपीटेड है इसमें भी। तो 71st रेवोल्यूशन केम टू प्रॉफिट पीस बी अपॉन ही इन वारे हीरा। नेक्स्ट आपका साइड है द ड्यूरेशन ऑफ सोशल बायकॉट ऑफ मुस्लिम शबी अबी तालिब वाज तकरीबन 3 years। ठीक है, 3 साल तक रहा बायकॉट। नेक्स्ट आपका सर 9, इसको हम देखेंगे इसमें क्या कह रहे हैं। इसमें कहते हैं बैटल ऑफ ओहद वाज फॉट इन द ईयर 390। 10 है हु साइंड द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया ऑन बिहाफ ऑफ द कुरैश, तो वो आपके पास नन ऑफ दीज होगा, यानी कि आपके पास पहला अबू सुफियान, अबू लहब या अबू हाकम, इनमें से कोई नहीं है तो नन ऑफ दीज। तो आगे उसने ब्रैकेट में सोहेल बट्टी बुक पेज नंबर 136 ये इसने रेफरेंस दिया हुआ है वहां पे है। ठीक है, तो नन ऑफ दीज आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 11, बनू करेजा बनू कनेका एंड बनू नादिर वाज 3 ट्राइब्स ऑफ ज्यूस। कुरान वाज रिवील्ड इन तकरीबन 23 इयर्स के अरसे में नाजिल हुआ। नेक्स्ट था हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु वाज असैसिनेटेड इन द मंथ ऑफ नन आएगा। ठीक है, रमदान ज़िकाद मुहर्रम नन ऑफ दिस ही वाज असैसिनेटेड इन द मंथ ऑफ जुलहज। ठीक है, याद रखना है जुलहज का हो तो वो आपने टिक करना है, अगर वो नहीं है तो आपने नन ऑफ दिस को टिक कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें कहता है मुसलमा वास फॉल्स प्रॉफिट था जिसने दावा किया था झूठी नबूवत का। द बैटल ऑफ जमल वाज फॉट बिटवीन हजरत आयशा एंड हजरत अली के दरमियान लड़ी गई थी। नेक्स्ट आपके पास 16, द कैपिटल ऑफ उमैद डायनेस्टी वाज नन बगदाद कायरो खुरसान तो कोई भी नहीं है बल्कि दमास्कस है। ठीक है, तो नन उसने लिखा हुआ है तो यानी कि इनमें से तीनों में से कोई भी नहीं है, नन ऑफ दीज आएगा। तो अगर आपके पास वो दमास्कस दिया हुआ है तो उसके उसको आपने टिक करना है। नेक्स्ट आपके पास 17, को हम देखेंगे इसमें क्या कह रहे हैं। 17 में कहता है अब्बासिद कैलिफेट केम इनटू बीइंग इन, तो ये आपके पास 132 हिजरी। ठीक है, इसको आपने चेक भी कर लेना है वैसे यही है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 18, समरा वाज बिल्ट बाय अल मुस्तासिम इन 1836 AD में। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है जिजिया इज अ पॉल टैक्स।
20 है दी ऑटोमन डेंसिटी फेल इन ना 1857 है ना 1926 है ना 1940 नन ऑफ दीज आएगा में कोई भी नहीं है। ठीक है नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 आएगा इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर 2011 पेपर नंबर 2 का ये। ठीक है तो इसको हम देखेंगे इसमें कहते हैं लिटरल मीनिंग ऑफ जहाद इज स्ट्रगल मारवा वाज द सन ऑफ हाकम। नेक्स्ट आपके पास मुसा बिन नसीर कॉन्क्वर्ड पार्ट्स ऑफ अफ्रीका। नेक्स्ट आपके पास फॉर इन 1989 हिजरी बिकेम वायसराय ऑफ अफ्रीका वाज यजीद बिन मुहल्लिब। नेक्स्ट आपके पास फाइव आफ्टर अ शॉर्ट खिलाफत ऑफ मुआविया टू द नेक्स्ट खलीफा ऑफ इस्लाम वाज इब्ने जुबैर। नेक्स्ट आपके पास है सिक्स वेस्ट अफ्रीका जिसको कहते हैं वेस्ट अफ्रीका वाज अंडर द उमाइद द स्पेन वाज अंडर कोर्ट। नेक्स्ट आपके पास सेवन फॉर द फर्स्ट टाइम अब्दुल मालिक इशूड प्योरली मुस्लिम फॉर द फर्स्ट टाइम अब्दुल मालिक इशूड प्योरली मुस्लिम कॉइन इज नाउन एज इसने जोड़ के लिखा हुआ है नाउन एज दिनार। ठीक है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है इसको हम देखेंगे कि 8 में क्या कह रहे हैं। फिरदौसी वाज द पोएट ऑफ पर्शिया। 9 है अल वलीद वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट खलीफाज ऑफ होल इस्लामिक वर्ल्ड। 10 है उमुल बनीन वाज अ रिमार्केबल डैश वीमेन अरब। नेक्स्ट 11 है सफा वाज द फर्स्ट कैलिफ ऑफ अब्बासिद। नेक्स्ट 12 है डैश वाज द रियल फाउंडर ऑफ द अब्बासिद डिनेस्टी वो सफा। नेक्स्ट आपका 13 इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द उमर द कोर्ट लैंग्वेज वाज पर्शियन कोर्ट लैंग्वेज पर्शियन थी। नेक्स्ट आपका है फजल बिन यहिया हैज held the governorship of Khusra. Khusra होता है तो Khusra and Egypt. Next हमारे पास question number 15. Khurasan. Next 15 है इसमें क्या कहता है इसको हम देखेंगे इसमें कहता है विद द एमर्जेंस ऑफ अब्बासिड द कैपिटल वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सायरिया टू नन ऑफ दिस। ठीक है यानी कि ईरान इजिप्ट या इराक नहीं है तुर्की भी नहीं है बल्कि नन ऑफ दिस आएगा मूव फ्रॉम बगदाद टू समरा ये करेक्ट आंसर है अगर ये आ जाता है तो ये आपने टिक करना है। 16 है अमीन वाज मर्डर्ड इन None of these. यानी कि 1814 भी नहीं है 1815 भी नहीं 1816 भी नहीं 1817 भी नहीं none of these आएगा तो ये 24th मार्च 1813 याद रखना है। ठीक है 17 है नाज़हुन ज़ैनब एंड हमदा बिलोंग टू बगदाद बगदाद से बिलोंग करती थी। नेक्स्ट आपको 18 मालिकी doctrines were introduced in Spain in the reign of Abdur Rahman. ठीक है नेक्स्ट आपके पास है 19 अल कानून फिल इट वाज रिटन बाय बुअली सिन्हा कानून जो है बुअली सिन्हा ने लिखी थी। नेक्स्ट आपके पास है 20 अल तफसीर वाज रिटन बाय अल ज़ुहरवी। ठीक है आज के हमारे पास लेक्चर में यहाँ तक के एमसीक्यूज थे तो ये मैंने पेज 1 से स्टार्ट किए थे तो 48 तक ले गया हूँ तो ये हमारे पास
यहाँ तक एंड हो गए। तो अगर पिछले वाला लेक्चर आपने नहीं देखा तो पहले उसको देखें फिर इसको देखें ताकि आपका फायदा हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये फॉर स्पेशली सीएसएस के लिए, ठीक है। तो पीएससी और सीएसएस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये जो आपके पास है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें इस्लामिक स्टडी से रिलेटेड एमसीक्यूज आते हो आपकी हेल्प करेगा, लेकिन पीएससी और सीएसएस के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।